सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप चौधरी है। एयरफोर्स की जो 31st मई को जो PSL आई है उसमें मेरी 1606वीं रैंक है। असल में ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट मैंने 2019 में दिया था, जब मेरिट गई थी 36 मार्क्स और मुझे मिले थे 53 मार्क्स। फिर मैंने GD दिया, GD पास हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेडिकल में आउट हो गया। मेडिकल में आउट होते ही मैंने दूसरा पेपर और दिया, 2019 का जो इनटेक 2 था उसकी मेरिट गई थी 28 मार्क्स और मुझे मिले थे 38 मार्क्स, बट अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश में मैं रह गया। फिर इस साल का मैंने पेपर और दिया है और उसमें मुझे 50.5 मार्क्स थे और मेडिकली भी फिट था, तो मैंने कुल 3 पेपर दिए हैं, 2 GD, 2 बार मेडिकल और 2 ही बार रीमेडिकल। तो मैं ये वीडियो आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ताकि मैं आपका मेरा अनुभव जो है आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो हम शुरुआत से बात करते हैं, प्रथम चरण जिसे हम रिटर्न बोलते हैं। रिटर्न के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट का पेपर आता है, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ। हिंदी बेल्ट के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश सबसे मुश्किल टास्क होता है। विद्यार्थी यही सोचता है कि कैसे भी करके इंग्लिश में 10 मार्क्स आ जाएँ और 10 मार्क्स कवर करते ही हम पेपर क्लियर कर लेंगे। तो इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है मेरे हिसाब से टीचर, टीचर का बहुत ही सही चुनाव करें क्योंकि इसमें आपके पास कंटेंट जो है वो बहुत बिखरा होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप रामेश्वरम कोचिंग क्लासेस में जो सानू रावत सर हैं उनसे ज़रूर क्लासेस लें और उनकी वोकेबलरी की जो क्लासेस हैं वो बहुत ही शानदार हैं, तो एक बार आप ज़रूर विजिट करिए और उनके नोट्स भी बहुत अच्छे हैं। और इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आप अपना सिलेबस जो है इंग्लिश का वो अपने डेस्क पर रखें, उसको अपने नज़दीकी मित्र से डाउनलोड करके रखें। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है मैथ। मैथ आपके जो है 12th लेवल की आएगी, तो आपको बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए और मैथ में आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ का पेपर बहुत ईजी आता है। अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स भी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। कई सारे विद्यार्थियों को ये मुश्किल सब्जेक्ट लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप अच्छी कोचिंग में एडमिशन लेते हो और अच्छे टीचर से पढ़ते हो तो ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। शुरुआत आप लुसेंट से कर सकते हो और अगर आपके पास समय है तो बाद में आप यूनिवर्सल के लिए भी जा सकते हो। तो रिटर्न में आपको कम से कम आपके दिमाग में 45+ मार्क्स लेके चलना तो हम है। बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरा चरण मैंने 2 बार क्लियर किया है, पहला मैंने भोपाल हुआ था, दूसरा जोधपुर। दूसरे चरण को अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो ये आपका फिजिकल और आपका कॉन्फिडेंस है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अंग्रेज़ी बहुत अच्छी आनी चाहिए, हिंदी बेल्ट के विद्यार्थी आसानी से जो है फेस सेकंड को क्लियर कर सकते हैं। कई बार विद्यार्थियों को भ्रम होता है कि अंग्रेज़ी बहुत अच्छी होगी तभी GD क्लियर कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको, और अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने GD की तैयारी जो है वो रामेश्वरम कोचिंग क्लासेस से ही की थी और 1 महीने में मुझे बहुत ही शानदार माहौल यहाँ मिला, पारिवारिक माहौल मिला और साथ ही फिजिकल ट्रेनर भी यहाँ पर हमारे अवेलेबल कराए गए थे, जिसके वीडियो आपको इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप GD की तैयारी कर रहे हो, मतलब आपका पेपर क्लियर हो गया है, GD के लिए आए हो, आप कहीं और भी तैयारी कर रहे हो या फिर घर पर तैयारी कर रहे हो, तो एक बार आप रामेश्वरम कोचिंग क्लासेस में ज़रूर एडमिशन लें, GD के लिए स्पेशली मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि इस बार हमने 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट दिया है। GD के लिए बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ये सबसे आसान और सबसे बिल्कुल इजी सात चरण है जो आप आसानी से क्लियर कर जो सकते हैं। तीसरा फेज़ है जिसे हम मेडिकल टेस्ट भी कहते हैं, ये सबसे मुश्किल फेज़ में से एक है क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है। अगर आप पूरे साल फिजिकल अच्छे तरीके से कर रहे हो तो आपको बहुत सारी मेडिकल्स प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, जैसे आपका BP हाई नहीं होगा या आपका शुगर उगर है या कुछ भी है जो आपका हाई नहीं होगा। इसलिए फिजिकल पूरे साल तक करते रहें, चाहे आधा घंटा, 1 घंटा, चाहे अपने रूम पर भी करें, फिजिकल करते रहें। और मेडिकल ऐसा है कि कुछ किस्मत का खेल है और कुछ हमारे हाथों में है, तो प्रयास देते रहें। मैंने एक बार मेडिकल डिस्क्वालीफाई भी हुआ हूँ, लेकिन दूसरी बार जब गया था तो मेडिकल पास हो गया। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि तैयारी करते रहें क्योंकि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, उस दिन के लिए तैयारी करें। अगर आप डिफेंस सेक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स संबंधित कोई भी तैयारी करना चाहते हैं और आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए कुचामन सिटी आना चाहते हैं या ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप सोच विचार कर अच्छी कोचिंग का चुनाव करें और जितने भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं एक बार ज़रूर जाएं, डेमो लें,
लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको साथ बताना चाहता हूँ कि आप रामेश्वरम कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक बार ज़रूर विजिट करें। यहाँ आपको एक्स और वाई की बहुत ही शानदार फैसिलिटीज़ है, नेवी के लिए भी बहुत शानदार है, इंग्लिश के लिए आपको सानू रावत सर, बहुत ही अच्छी इंग्लिश, जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर है वो इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। और अगर बात करूँ मैं फिजिक्स की, तो उसमें राहुल जी जैन सर हैं, और जीके के लिए सुरेंद्र जी मुंडेल सर हैं, और मैथ्स के लिए MS गुरु सर हैं। तो एक बार आप ज़रूर विज़िट करें, मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि बहुत ही फ्रेंडली माहौल है यहाँ पर आपको, और आगे भी आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए भी बहुत शानदार माहौल मिलता है, और समय समय पर मार्गदर्शन भी किया जाता है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। एक बार आप अपना पैसा कहीं भी लगा रहे हो तो आपका ये राइट है कि आप जाकर कुछ संस्थानों में जाकर देखें, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अच्छे संस्थान का चुनाव करें, क्योंकि अच्छा संस्थान जो है वो आपके भविष्य के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो एक बार आप ज़रूर विज़िट करें, विज़िट करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है। धन्यवाद।